हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरिस्का क्लासेस सीकर में। मैं सरोज जाखा आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आ रही हूँ, मैथ्स का दशमलव भिन्न। क्या टॉपिक है? दशमलव भिन्न। देखो, दशमलव संख्या तो सब जानते हैं, जो पॉइंट्स की संख्या होती है वो। अब दशमलव भिन्न पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी बात करेंगे किसकी, भिन्न की, क्योंकि भिन्न है वो कहाँ से आया है, दशमलव भिन्न है वो कहाँ से आया है, भिन्न से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, भिन्न की। देखो, भिन्न कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है अंश बटा हर। ये तो छोटी बात है ना कि भिन्न कैसी होती है, अंश बटा हर। इसको अगर मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी कि भिन्न क्या होती है, p बटा q के रूप में होती है, जहां q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। यानी p और q क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। p और q क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा q का मान कुछ भी हो सकता है, p का मान जीरो हो सकता है, p का मान जीरो हो सकता है, लेकिन क्यों का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो जैसे मैं लिखू 5/0, ठीक है, 5 में जीरो का भाग जाता नहीं है। अब 5 में जीरो का भाग कितनी बार जाएगा, अनंत बार। और अनंत क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। जबकि भिन्न तो क्या होती है, अपनी वास्तविक होती है। अनंत क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक कैसे है कि भाई जैसे कोई संख्या है, इसकी अपन केवल कल्पना ही कर सकते कि अनंत कुछ होता है। अनंत की वैल्यू अपन को किसी को नहीं पता है, अनंत की वैल्यू किसी को नहीं पता है। हाँ ये है कि अनंत है। अब अनंत की वैल्यू क्या है, अनंत में जोड़ने पर क्या आता है, घटाने पर क्या आता है, हमेशा अनंत ही रहता है। जोड़ो घटाओ गुणा करो, तो ये क्या है कि काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या जब आती है तो वो क्या होती है, भिन्न नहीं होती है। तो 5/0 की बात करूं तो ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। अब आप कहो कि भाई जीरो भिन्न है या नहीं है, बिल्कुल जीरो भिन्न है। क्यों है, क्योंकि देखो जीरो को 0/1 लिखा, भिन्न है। भिन्न के और कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे 2/3 है, 5/7 है, 9/4 है, 20/6 है, ये सारी क्या है, भिन्न है। सारी क्या है, भिन्न है। अब देखो भिन्न के अपन पढ़ेंगे प्रकार। भिन्न के कितने प्रकार पढ़ेंगे, तीन प्रकार है। भिन्न के कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। पहला है साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न है, साधारण भिन्न। दूसरी है मिश्र भिन्न और तीसरी है दशमलव भिन्न। देखो साधारण भिन्न का मतलब क्या है कि जो अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है। साधारण भिन्न का मतलब क्या है कि जो अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है। मिश्र क्या है कि ये कुछ का मिक्स है। अब किस किस का मिक्स है वो आगे बताएंगे। और फिर दशमलव भिन्न जो पॉइंट्स के है वो दशमलव भिन्न है। साधारण भिन्न के दो टाइप है। साधारण भिन्न के भी कितने टाइप है, दो टाइप है। एक है उचित और एक है अनुचित। एक तो क्या है, उचित है, दूसरा क्या है, अनुचित है। उचित भिन्न क्या कहती है, ये कहती है कि जिस भिन्न को अपन आगे हल नहीं कर सकते, यानी जिसका क्या है, स्टॉपेज आ गया, वो क्या है, उचित भिन्न है। जैसे मैं ये दो संख्या लिख रही हूँ, आप बताना कि 2/3 है एक तो, और 1/3/2। इसमें से आप किस में भाग दे सकते हो, 2 में 3 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ऊपर संख्या क्या छोटी, छोटी संख्या में बढ़िया भाग जाएगा नहीं। लेकिन 3 में अपन 2 का भाग दे सकते हैं, इस 3 में 2 का भाग ही दे सकते हैं। यानी इसको मैं आगे हल कर सकती हूँ, इसको मैं आगे हल नहीं कर सकती। जिसको आगे हल नहीं कर सकती वो तो क्या है, उचित भिन्न है। जिसको आप आगे हल कर सकते हो वो क्या है, अनुचित भिन्न है। यानी जिसको मैं आगे हल कर सकते वो उचित भिन्न है, आगे हल नहीं कर सकते वो अनुचित भिन्न है। दूसरी बात क्या कही कि देखो इसका अंश क्या है, छोटा है। हर क्या है, बड़ा है। अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है।
उचित भिन्न क्या कहती है कि अंश छोटा है बड़ा, तो मैं उचित भिन्न की बात में क्या लिखूंगी कि अंश छोटा होता है और हर क्या होता है बड़ा होता है। उचित भिन्न में क्या है, अंश छोटा हर बड़ा। अब बात करूं मैं अनुचित भिन्न की, अनुचित भिन्न में अपन ने ये कहा कि अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। अब आप ये बताओ कि छोटे बड़े तो हो गए लेकिन बराबर भी तो हो सकते हैं, अंश और हर बराबर भी तो हो सकते हैं, तो बराबर वाली कंडीशन में कौन आएगा। जैसे मैं ये लिखूं पांच बट्टा पांच, देखो अपन इसको हल कर सकते हैं, पांच में पांच का भाग दे सकते हैं, तो पहले वाली बात से क्या आ गई कि पांच में पांच का भाग दे सकते हैं यानी आगे हल कर सकते हैं, यानी बराबर आया तो कौन सी होगी अनुचित भिन्न, क्योंकि इसको आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अनुचित की बात में क्या है कि जो अपना अंश है, जो अंश है वो हर से क्या होगा बड़ा होगा या हर के बराबर होगा। तो अनुचित में क्या लिखूंगी कि अंश हर के बराबर या हर से बड़ा, कि अंश है वो हर से हर के बराबर भी हो सकता है, हर से बड़ा भी हो सकता है। कौन, अंश, अंश हर के बराबर भी हो सकता है, हर से बड़ा भी हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अंश है वो बड़ा या बराबर और हर क्या हो जाएगा छोटा या बराबर, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हो। अब बात करूं मैं किसकी, मिश्र भिन्न की। किसकी बात करें, मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न देखो मैंने पहले क्या बताया था कि मिश्र भिन्न क्या होती है, मिक्स होती है। मिश्र भिन्न क्या होती है, मिक्स होती है। किस किस की मिक्स होगी, उचित और अनुचित भिन्न की, यानी कि मिश्र भिन्न में कौन कौन आएंगे, उचित और अनुचित भिन्न। तो मिश्र भिन्न में मैं क्या लिखूंगी, यह आती है अनुचित प्लस उचित। देखो एक एग्जांपल से बताऊंगी, जैसे मैंने तीन बटा दो लिखा है यानी कि तीन में दो का भाग दे रहे हैं, तीन में दो का भाग दे रहे हैं, भाग कितनी बार गया एक बार, दो आ गया एक से इस पर आ गया, तो अपन इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक भागफल है एक से इस पर दो का भाग दिया है, इसको आपने क्या लिखा एक से एक बट्टा दो। तो देखो एक तो क्या है, एक दो तीन ऐसी संख्या वो हमेशा क्या होती है अनुचित भिन्न होती है, तो एक तो क्या अनुचित है, एक बट्टा दो क्या है उचित है, तो मिश्र भिन्न है वो क्या होगा अनुचित प्लस से उचित। जैसे मैं बात करूंगी एक सही एक बट्टा दो है, या फिर मान लो ये तीन से एक बट्टा दो है, तो तीन तो कौन है अनुचित है, तीन तो कौन है अनुचित है, एक बट्टा दो कौन है उचित है, तीन अनुचित है एक बट्टा दो क्या है उचित है। अब बात करेंगे किसकी, दशमलव भिन्न की। किसकी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे दशमलव भिन्न की। देखो दशमलव भिन्न से पहले थोड़ी सी अपन संख्या की चर्चा कर लेते हैं, संख्याएं देखो संख्याएं पढ़ेंगे दो प्रकार की, एक तो होती है अपनी वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। वास्तविक संख्या, देखो नाम से पता चल रहा है कि जो वास्तविक का मतलब जो वास्तव में है, यानी कि जो संख्या एग्जिस्ट करती है, जिनके बारे में सोच सकते हैं, जिनकी कुछ वैल्यू होती है, वो क्या होती है वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक कि ऐसी संख्या जिनके अपन क्या कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि अनंत है उसकी तो अपन कल्पना ही कर सकते हैं, तो ये अपना क्या है काल्पनिक है। एक और होता है काल्पनिक में कि ये वाली संख्याएं x प्लस आयोटा वाई वाली, यानी कि रूट की संख्या है उसके अंदर माइनस है, रूट के अंदर क्या है माइनस है, तो ये भी क्या है काल्पनिक संख्याएं हैं, रूट के अंदर माइनस है वो भी कौन से होते हैं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की पढ़ेंगे, वास्तविक कितने प्रकार की है दो प्रकार की, एक संख्या है अपनी परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या। पहली परिमेय है दूसरी अपरिमेय,
परिमेय संख्या क्या कहते हैं कि जिसको आप पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हो। पी क्यू कौन है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है माइनस की संख्या है जीरो और एक प्लस की संख्या है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो पी बट्टा क्यू के रूप में होती है, लेकिन क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। अपरिमेय कौन सी है? एक तो जैसे पाई है, ई है, ठीक है, पाई हो गया, ई हो गया, कि और रूट की वे संख्या, रूट की वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं रूट चार, देखो चार किसका वर्ग है? दो का, तो रूट चार का मान कितना हो गया? दो। तो दो तो रूट चार तो कौन हो गया? भाई दो परिमेय है, तो रूट चार भी कौन हो गया? परिमेय हो गया। जैसे मैं रूट नौ की बात करूं, नौ किसका होता है? तीन का। रूट नौ की वैल्यू क्या होती है? तीन होती है, तो ये भी कौन हो जाएगी? परिमेय। लेकिन इनके बीच में बच गए, जैसे रूट दो है, रूट तीन है, रूट पांच है, रूट छह, रूट सात, रूट आठ, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, तो वो कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे मैं रूट चार की बात करूं तो वो कौन है? परिमेय है। लेकिन जैसे रूट दो, रूट तीन, रूट चार, ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या। एक देखो छोटी सी बात हो रही है, मैं लिखती हूं, एक तो ये है, एक लिखती हूं ये, देखो इसका मतलब तो क्या है कि ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसके बाहर गुणा में कौन है? तीन है, कि कोई भी संख्या है, यहाँ कोई संख्या जैसे मैंने कहा ये चार है, तो आप क्या लिखोगे? तीन गुना चार, ये हो गया बारह, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके अंदर है, ये तीन इसके अंदर है, इसका मतलब ये घनमूल का चिन्ह है। इसका चिन्ह है घनमूल का, जैसे आठ है, तो आठ का घनमूल कितना होता है? तीन होता है, दो होता है। दो कैसे करते हैं? जैसे आठ के अपन क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, दो का भाग चार बार, दो बार, एक बार, तो देखो कितना आ गया, एक दो तीन, तो आठ को दो की घात तीन लिखूंगी, घनमूल का मतलब एक बटा तीन हो जाएगा, तीन से तीन कट गया, ये कितना आ गया? दो आ गया। तो अगर ये इसके बाहर है इसका मतलब तो तीन गुणा में है, अगर अंदर है तो उसका मतलब क्या है? घनमूल है। सेम वही बात यहाँ पे, वर्गमूल की संख्या लिखे वैसे तुम घनमूल की भी लिख सकते हैं, कि वैसे घनमूल की संख्या जो पूर्ण घन नहीं होते, वो भी कौन होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करेंगे अपन दशमलव भिन्न की। देखो दशमलव भिन्न कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला प्रसार है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत। देखो नाम क्या है? शांत अशांत। शांत का मतलब वो बेचारा कभी ना कभी शांत हो जाएगा, मतलब कभी ना कभी उसका एंड हो जाएगा। किसका एंड हो जाएगा? जो भाग देंगे संख्या का उसका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। या मैं ये कहूँ शेषफल क्या हो जाएगा? जीरो। यानी भाग देते देते एक प्रोसेस के बाद उसका शेषफल क्या जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो वो कौन सा होगा? शांत दशमलव प्रसार। जैसे 0.25 है, ये बेचारा यही रुक गया, हो गया शांत, यही रुक गया, शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब वो आगे चलता रहेगा, अशांत का मतलब वो संख्या आगे चलती रहेगी, उसका कभी एंड नहीं होगा, वो कौन सी होगी? अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत के लिए मैंने आपको क्या कहा कि शेषफल क्या होगा? जीरो। शेषफल क्या होगा? जीरो। बात करो अशांत की, अशांत भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अनवशानी आवृत्ति, अनवशानी आवृत्ति, और दूसरा होता है अनावृत्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति में देखो क्या है, आवृत्ति में क्या है? आवृत्ति में नाम से पता चल रहा है कि आवृत्ति रिपीट हो रहा है, वो संख्या है जो रिपीट हो रही है।
और इसमें अनावृत्ति मतलब रिपीट नहीं होगी। जैसे मैं ये लिखूं 0.3 3 3 3, तीन रिपीट हो रहा है। जैसे मैं 0.2 1 2 1 2 1, यानी इसमें 2 1 2 1 रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सी आवृत्ति है। लेकिन अनावृत्ति में क्या होगा, बिना किसी सीक्वेंस के, बिना किसी सीक्वेंस के ही क्या होगा, संख्या आगे चलती रहेगी। तो ये कौन सी है, अनावृत्ति। अब देखो अपन ने ये क्यों पढ़ा था, परिमेय अपरिमेय, यहां से बात करेंगे। देखो ये जो संख्या रिपीट हो रही है उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, बार के रूप में, कि जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर बार लगा दो। तो 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 लिखा, बार लगा दिया। यहाँ 2 1 रिपीट हो रहा है, तो ये 2 1 पर बार लग गया, ठीक है। अब ये यहाँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी है अपन को, ये देखेंगे अभी। यहाँ परिमेय संख्या होती है पी बटा क्यू के रूप की, तो शांत दशमलव प्रसार है, इसको आप पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार को किस रूप में लिख सकते हैं, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अशांत की बात करते हैं, देखो आवृत्ति है, आवृत्ति को भी अपन क्या है, पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी कौन हो जाएगी, परिमेय संख्या। आवृत्ति को पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, उसके अपन एग्जांपल्स करेंगे। शांत को कैसे लिखेंगे, उसके भी करेंगे। लेकिन अनावृत्ति है, उसको आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो ये कौन हो गई, अपरिमेय। यानी कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय है, आवृत्ति अशांत भी परिमेय है, लेकिन अनावृत्ति अशांत क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक देखो छोटी सी बात है कि कोई संख्या दे दी और डायरेक्ट मैं चेक करूं कि ये शांत है या अशांत है। जैसे मैं आपको ये संख्या दे रही हूं 51/2 × 5² अब इसको देख के बताना कि ये शांत है या अशांत है, ठीक है। तो अगर आपके बट्टा में क्या आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहे हैं, अकेला 2 आ रहा है, अकेला 5 आ रहा है, तब तो वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे मैं लिखूं 5/2, जैसे 7/2 लिखते हैं, देखो बट्टा में कौन है, 7/2 की घात 2 लिखा, बट्टा में कौन है, 2 की घात है, 2 भी हो सकते हैं, 2 की घात भी हो सकती है, तो बट्टा में 2 है, तो कौन सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन मैं संख्या लिख रही हूं 55/3 × 2 की घात 4। देखो 2 तो है, लेकिन यहां कौन आ गया 2 के साथ में, 3 भी आ गया ऊपर। देखो 3 का भाग जा नहीं रहा है, अगर भाग जाए तो पहले भाग देते हैं, भाग जाने के बाद चेक करते हैं। तो 55 में 3 का भाग जा नहीं रहा है, नीचे कौन आ गया, 3 आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि हर में, या बोलूं क्यों, क्यों का मान क्या होगा कि 2 हो सकता है, 2 की घात भी हो सकती है ना, 5 ही घात भी हो सकती है, 2 और 5 दोनों की घात भी हो सकती है, तब तो होगा शांत दशमलव प्रसार। अगर 2 और 5 के साथ कोई और संख्या आ गई, 3, फिर 3 आ जाए, 6 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, अभाज्य संख्या की बात कर रही हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये अशांत दशमलव प्रसार। अब जैसे मैं एक सवाल लिखूं, पैंतीस बट्टा पंद्रह, 35/15। अब देखो यहां मेरे को क्या दिख रहा है कि 5 के गुणनखंड हो रहे हैं, सॉरी 15 के गुणनखंड हो, पहले मैं 15 के गुणनखंड दूंगी, तो 15 के गुणनखंड 3 और 5 होते हैं, ये 35 है, 35 में देखो 5 का भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार, तो ये आएगा 7/3, और 7/3 बट्टा में 3 है, तो कौन हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार।
कौन हो जाएगा एहसान दशमलव प्रसाद। अब शांत और आवृत ये कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो शांत दशमलव प्रसाद के उदाहरण के, तो शांत दशमलव प्रसाद के जो क्वेश्चन है उनको पी बटा क्यू के रूप में लिखना बहुत ही आसान है। शांत दशमलव प्रसाद के जो क्वेश्चन है उनको पी बटा क्यू के रूप में लिखना बहुत ही आसान है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में लिख रही हूँ, 0.45 है, इसको अपन क्या लिखेंगे कि 45, पॉइंट के बाद में कितने अक्षर है, दो अक्षर है, तो कितना लिख दूंगी मैं 100। एक अक्षर है तो बट्टा में 10 लिख देंगे, पॉइंट के बाद में दो अक्षर है तो 100 लिख देंगे, तीन अक्षर है तो 1000 लिख देंगे, चार अक्षर है तो 10,000 लिख देंगे। अब इसमें दो टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आपके पास सीधा सीधा ये आ जाएगी 45/10^2, तो 100 है, जितने जीरो है उतने 10^10 में लिख देंगे, ठीक है। या फिर इनको काट के अगर जैसे 5 का भाग इसमें जा रहा है 9 बार, इसमें 5 का जा रहा है 20 बार, तो ये आ गया 9/20, तो वो अपना ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस टाइप का है। जैसे मैं इक्वेशन लिख रही हूँ कि 3 4 5, 0.345, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना है, तो सबसे पहला काम या तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं कि 345/1, 2, 3 अक्षर है पॉइंट के बाद है तो 10^3 लिख दो, ठीक है। या तो अपने पास ऐसा ऑप्शन होगा, या फिर ये हो सकता है कि 345/1, 2, 3 अक्षर बटा में कितना लिख दिया मैंने, 1000 लिख दिया। देखो दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग देंगे तो 6, 9, और इसमें 5 का देंगे तो कितना आ गया 200। अब दोनों में किसी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो ये ऑप्शन है, ये आंसर है, एक आंसर ये है। दोनों डिपेंड करेंगे कि कौन सा आंसर अपन को लिखना है, वो क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करूं एहसान दशमलव प्रसाद, एहसान पूर्ण तो आवृत्ति, क्योंकि अनावृत्ति को तो अपन पी बटा क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। आवृत्ति बोलूं या फिर बार वाले सवाल बोलूं, जिन पर बार लगा हुआ है, दोनों बात है, या तो आवृत्ति हो रही है या फिर क्या है बार लगा। जैसे मैं सवाल लिख रही हूं, इसका पहले तो एक सूत्र है, सूत्र ध्यान रखो तो भी कोई बात नहीं है, रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इतने सारे एग्जांपल्स करेंगे कि आप चुटकियों में कर दोगे, सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप याद रखना चाहो, क्या तरीका भूल जाओ, तो सूत्र क्या है कि पहले तो जो संख्या वो पूरी संख्या लिख दो बिना पॉइंट लगा के, जो संख्या है वो संख्या लिख दो बिना पॉइंट लगा के, बिना बार वाली संख्या लिख दो, जिस पर बार नहीं है वो संख्या लिख दो, और बट्टा में क्या लिखेंगे कि जितने अक्षर पर बार है उतने 9 लिख दो। जितने अक्षर पर बार है उतने क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब जैसे मैं सवाल कर रही हूं कि 0.3 का बार है, कितना है 0.3 का बार है, तो क्या लिखूंगी, पॉइंट हटा देंगे, 3 लिखा, बिना बार वाली संख्या, देखो बिना बार वाली संख्या क्या 0 है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 माइनस करने पर 3 ही आएगा, छोड़ दो इसको। फिर क्या कितने अक्षर पर बार है, एक अक्षर पर बार है, तो कितना आ जाएगा 9, दोनों 3 से कट रहे हैं तो 1/3। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखो कि कौन रिपीट हो रहा है, 0.21 रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट हो रहा है 2-1, तो मैं क्या लिखूंगी, 0. जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दो, तो 2-1 रिपीट हो रहा है तो मैंने 2 और 1 पर बार लगा दिया। अब देखो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो संख्या क्या है ये बिना पॉइंट के 21 है, देखो बिना बार की कोई संख्या नहीं है, तो बिना बार की संख्या नहीं हो ना तब आपको घटाना नहीं है, सीधे वो संख्या ही लिख दो, तो बिना बार की कोई संख्या नहीं है तो मैंने सीधा 21 लिख दिया, कितने अक्षर पर बार है 2 पर, तो कितना लिख दूंगी 99, दोनों आ गए, ये
ये कट रहे हैं, 3 से काट दिया तो 7 21 और 33 99, 7/33। तीसरा एग्जाम्पल देखो, 0.001। देखो क्या करूंगी मैं, पॉइंट हटाऊंगी तो 1 आ गया, क्योंकि इस 00 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 कितने अक्षर पर बार है, 3 अक्षर पर, तो 1/999। एग्जाम्पल ले रही हूं कि 1.3 का बार, 1.3 का बार। देखो इसको मैं दो तरीके से कर सकती हूँ। पहला तरीका तो ये है कि एक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, यानी पॉइंट से पहले जो अक्षर उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसको पड़ा रहने दो। और फिर ये क्या है, 0.3 का बार है, 3 का बार, तो मैं क्या लिखूंगी, 3 लिखूंगी, 1 अक्षर पे बार तो कितना लिख दूंगी, बट्टा में 9। देखो ये 1 प्लस ये कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, तो 1 सही 1/3, इसका आंसर कितना आ गया, 1 सही 1/3। दूसरा तरीका ये है कि पूरी संख्या लिख दो, 13 माइनस जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर दो, तो माइनस करूंगी 1/ एक अक्षर पे बार तो कितना जाएगा, 9। 13 में से 1 गया, 12/9, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 12 में 4 बार, 9 में 3 बार, और 4/3 है, इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, यदि मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो आएगा 1 सही 1/3। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1.372 है और ये है 3 2 7 पर बार है। अब इसी को देखो दूसरे दो तरीके से करेंगे, कि पहला तरीका तो क्या कहता है कि 1 के साथ बिल्कुल छेड़खानी मत करो, पॉइंट के बाद जो अक्षर वो लिखो, कितने अक्षर पर बार है, 3 अक्षर पर बार है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 सही 327। देखो 327 है, 327 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जाएगा 109 बार, और ये जाएगा 3 3 3, तो ये आ गया 1 प्लस 109/333, इसको लिखेंगे 1 सही 109/333। दूसरे तरीके की बात करें तो क्या आएगा कि 1327 संख्या लिख दी, उसमें से माइनस करेंगे जिस संख्या पर बार नहीं, तो बार किस पर नहीं है, 1 पर नहीं है, 1/ कितने पर बार है, 3 पर है, तो कितने 9 लिख दिए, 3। 1327 में से 1 गया तो कितना जाएगा, 1326/